इंटरनेशनल योगा डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के बजाय लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में योग करेंगे। इस कार्यक्रम पर सियासत ना हो, इसलिए पीएमओ के खास निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। किसी पार्टी विशेष का आयोजन पर ठप्पा ना लगे, इसलिए खास अतिथियों में पूर्व राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। जो भी इसमें प्रतिभाग करना चाहे, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह जी हो, बहन मायावती जी हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी हो, जो भी आना चाहे, हमारा तो कहना है कि करिए योग, रहिए निरोग, तो आए वो प्रतिभाग करे तो अच्छा लगेगा। सरकार ने अपने दामन पर लगने वाले दाग से बचने के लिए बुलावा तो दे दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री पर योगा के नाम पर चुनावी तैयारियों का आरोप लगा रही है, तो वहीं उसकी सहयोगी सपा ने साइकिल को योग से जोड़कर अपना कार्यक्रम तय किया है। ये पूरी तरह से 2019 के चुनाव की तैयारी है। इसके बाद इस योग दिवस में आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम में एक इसका शिलान्यास करेंगे, जिसमें अविनाश यादव जी एक पीएम है उसके, उनके ऊपर डिपार्टमेंट ने, यूपीआरएनए ने उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया है जो कि 1,67,00,000 रुपए का लगभग है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आकर के किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करना और उसमें जो है भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना, ये मुझे लगता है कि एक तरह से जो इनकी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जो दावा था वो खोखला निकल रहा है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग 21 जून को पूरे प्रदेश भर के अंदर चलाएंगे साइकिल, ताकि साइकिल के माध्यम से भी योग होता है और साइकिल के प्रचार के साथ साथ जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, वो सब लोगों से हमारा अनुरोध है कि 21 जून को साइकिल चलाने का काम करें। साइकिल भी एक प्रकार का योग है। सरकार योगा के जरिए सबको जोड़ने की कवायद कर रही है, लेकिन विपक्ष योगा का समर्थन तो कर रही है, साथ ही कार्यक्रम के नाम पर घोटाला और योगा को राजनीतिक रंग में रंगने का आरोप लगाकर कार्यक्रम से दूरी भी बनाने में लगी है। ऐसे में योगी सरकार के द्वारा दिए निमंत्रण पर विपक्ष के नेता शामिल होते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर है। आरुषि गुप्ता, APN, लखनऊ।